स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जा रहे हैं अपना। तो न्यू चैप्टर हमारा जो है उसका टाइटल मैंने लिख दिया है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो टाइटल का क्या मतलब है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है पहले मैं ये बता दूँ, और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कैसी प्रॉब्लम, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जो है स्प्रेड हो या पैदा हो या प्रोड्यूस हो, सब कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे मतलब किसी की जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, अनेक नई बीमारियां हैं, इनका पैदा होना, प्रोड्यूस होना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस होती है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बीमारियों को स्प्रेड आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये इसका जो जरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ठीक है, तो अगर वायरस और बैक्टीरिया की बात करें तो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही कैटेगरी में शामिल है। अब कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि जितने भी इंसान जो है, मैन जो है, वो खुद एज ए बायोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, एक बायोलॉजिस्ट है के तौर पर जो है वो माना जाता है। स्पेशली वो लोग, वो मैन जो कि विलेजेस साइट्स पर रहते हैं, यानी गाँव के एरियाज में या फॉरेस्ट के करीब होते हैं, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के करीब होते हैं, यानी वो प्लांट्स के यूजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा उनको एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में भी सही तरीके से अंदाजा होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सही तरीके से जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ जो है वो तरीके हैं, और जो तरीका होता है वो बायोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है उसको, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब जो सॉल्व किया जाने वाला जो तरीका होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो मैंने स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, तो स्टेप्स आप लोग देख सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस स्टेप में क्या क्या किया जाता है कि इस स्टेप में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए स्प्रेड हुई है उसके मुतालिक डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। मतलब वो कैसे स्प्रेड हुई है, कहाँ से आई है, कैसे जो वो प्रोड्यूस हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, यानी बकायदा एक डाटा बनाया जाता है, देन जो है फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है मुशाहिदा करना जो है ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जाती है। ठीक है, तो अब जब हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच एंड स्मेल। ये यहाँ पर जो मैंने कुछ वो सेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर इन सेंसेस को मद्देनजर रखते हुए जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है उसको देख कर, सुन कर, उसको टेस्ट करके, उसको टच करके और उसको स्मेल करके ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन को अगर आगे देखें तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है उसकी क्वालिटी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी चेक की जाती है। अब ये क्या होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन? जस्ट लाइक अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, लाइक एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जा रहे हैं, तो हम जब कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी भी देखते हैं, उसकी क्वांटिटी भी देखते हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे उसकी जो ड्रिंक है उसका जो है वो उसकी मेदार कितनी है, उसमें हाफ लीटर है या फुल लीटर है, तो ये उसकी क्या होगी क्वांटिटी। अगर क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो क्वालिटी की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि और क्वांटिटी में तो क्या चेक किया जाता है कि उस बॉटल के अंदर कितने अमाउंट में जो है वो ड्रिंक मौजूद है, हाफ लीटर है या फुल लीटर है, जबकि क्वालिटी के लिए देखा जाता है कि वो ड्रिंक जो हॉट है या कोल्ड है, किसी क्वालिटी है। तो जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है साइंटिस्ट के पास तो उसने भी उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो चेक की।